जिन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहा है, टिकरी बॉर्डर पर आज 77 दिन से किसान डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ की सड़कों पर मिनी पंजाब बस गए हैं, अलग अलग गांव बस गए हैं, अलग अलग हवेलियां भी सज गई हैं। मैं आपको एक हवेली का दृश्य दिखाऊंगा जो टिकरी बॉर्डर की सड़कों पर बसाई गई है, बड़े ही तरीके से, सलीके से। उससे पहले आप ये लंगर देखिए, ये लंगर सजाया है किसानों ने, मोगा डिस्ट्रिक्ट के घोलिया गांव के लोगों ने मिलकर ये लंगर सजाया है उन किसान भाइयों के लिए जो इस आंदोलन में लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। अब आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं किसान हवेली की। ये सामने जो भी तस्वीरें आप अभी देख रहे हो, ये किसान हवेली है। वो सामने बोर्ड लगा हुआ है किसान हवेली का, जो ये सामने टेंट दिख रहा है, उस टेंट के ठीक पीछे आप एक बोर्ड देखेंगे किसान हवेली, उस पर लिखा हुआ है किसान हवेली घोलिया। और अब किसान हवेली घोलिया में हमारी एंट्री होगी। तो ये देखिए, मुख्य सड़क से सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, उन सीढ़ियों से होते हुए हम इस किसान हवेली में प्रवेश कर रहे हैं। ये सीढ़ियाँ ठीक वैसे ही बनाई गई हैं जैसे घरों को सजाने के लिए जिस तरीके से सलीके से सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, पूरी तरीके से प्रॉपर बांस के डंडे भी लगाए गए हैं ताकि सीढ़ियों, इन बुज़ुर्ग व्यक्ति इनको पकड़कर नीचे धीरे धीरे उतर सके इस किसान हवेली में। और इस हवेली में इन सीढ़ियों के साथ इस तरह के गमले भी लगाए गए हैं सजावट के लिए। पूरा प्रॉपर तरीके से एक गांव का जो हवेली होती है उसी तरीके से इस किसान हवेली को सजाया गया है। ये देखिए, रास्ते में गमले लगाए गए हैं, ये गमले इस हवेली की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। किसान अपने घरों को सजाने के लिए लगातार मेहनत करता आया है। ये सामने आप देखिए इस तरीके से साफ़ सफाई की व्यवस्था, इन सीढ़ियों के जरिए इस हवेली में प्रवेश होता है। ऊपर से जो भी किसान नीचे आता है इन हवेली, इस हवेली में घुसने के लिए, आप देखिए उधर देखिए एक दृश्य, किस तरीके से सलीके से गमले सजाए गए हैं, सीढ़ी नुमा, जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र में देखते हैं सीढ़ी नुमा खेत, उसी तरीके से सीढ़ी नुमा इसको जो रैंप से हैं बनाए गए हैं। और यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उन पेड़ों में पानी देने के लिए मोटर से इस तरीके से पानी दिया जा रहा है, साथ में ट्रैक्टर है। पहले पूरा दृश्य मैं आपको इस हवेली का दिखाऊंगा, उसके बाद इन किसानों से ही बात करेंगे जो इस गांव से आए हैं, ये आइडिया लेकर आए हैं। पानी का टैंकर भी साथ लेकर आए हैं, तीन तीन पानी के टैंकर हैं। और पानी के टैंकर के बगल में इन्होंने बाथरूम भी बना लिया है, नीचे गड्ढा खोदा गया है और उसके ऊपर बाथरूम रखा गया है, ऊपर पानी की टंकी भी है और उस टंकी में पानी चढ़ाने के लिए मोटर की व्यवस्था की गई है। लाइट का प्रबंध यहाँ आसपास के लोगों से किया गया है। ये लोग गाँव से तीन पानी के टैंकर लेकर चले हैं, पानी के तीन टैंकर, एक में दूध की व्यवस्था है और दो में पानी की व्यवस्था है। किसानों से सीधे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये व्यवस्था की गई है और कितने लोग गांव से आए हैं। आप लोग कहां से आए हैं? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, जो हमारे यहाँ एक आपने खिचड़ की है, पहुंचे हैं आप। तो मैं पंजाब से हूँ, मोगा डिस्ट्रिक्ट, गाँव का नाम है घोलिया खुर्द। घोलिया खुर्द से आए हैं और आपने टिकरी बॉर्डर की सड़कों पर किसान हवेली बना दी? हाँ जी, अभी हम लोग पहले लंगर लगाया था यहाँ पर, तो आगे इधर थोड़ा कचरा वगैरह जो पड़ा था वो अच्छा नहीं लगा, जो प्रकृति के हिसाब से हमने, जो शौक है हमारे गांव के, बाकी सरपंच साहब है हमारे साथ, जिन्होंने साथ दिया, गांव वालों ने साथ दिया हमारा, तो हमने फिर इधर एक व्यवस्था की कि क्यों ना कोई अच्छा काम प्रकृति के हिसाब से किए, पेड़ पौधे लगाए जाएँ, कुछ अच्छा लगे सभी को। तो आपकी इस हवेली में क्या क्या है? गाँव की हवेली में तो आंगन भी होता है, पार्क भी होता है, पेड़ पौधे भी होते हैं, पूरी चीज़ें मैं भी देख रहा हूं, लेकिन आप बताइए कि इस हवेली को कैसे आपने सलीके से सजाया और इस हवेली में क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या सुविधाएं दी गई सर? यहां पर प्रकृति के अलावा और हमारा यहाँ रहने के लिए बंदोबस्त बहुत अच्छा किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, किसी भी गाँव का हो, किसी देश का हो, किसी स्टेट का हो, कोई भी आके यहाँ पर रह सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। बाकी हमारे पास ये टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, इसमें ये देखिए छोटे छोटे जो कैंप लगाए गए हैं उसके साथ में बगल में गमले लगाए गए हैं, फूलों के गमले हैं जो सुगंधित एहसास भी देते हैं और आंखों को भी सुकून देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये सजावट के लिए कुदरती जो नेचुरल ब्यूटी जो हमने बनाने के लिए सब किया। हाँ जी, हम आपको चलते चलते दिखाते हैं कि कितने कैंप लगाए गए। ये छोटे छोटे टेंट हैं, आप ये देखिए छोटे छोटे टेंट है, इसके अंदर दो व्यक्ति आसानी से सो सकते हैं। और इसके साथ में स्टोर रूम भी हम आपको दिखाएंगे, स्टोर रूम में क्या क्या सामान, उससे पहले आप ये व्यवस्था देख लीजिए। ये जनरेटर भी साथ लेके आए हैं लाइट की व्यवस्था के लिए, बाकी लाइट आपने कहीं और से भी लिया होगा। ये ट्रैक्टर भी है इधर, आप देखिए गाड़ी भी है। और ये गाड़ी जिस टेंट में खड़ी है इस वक्त, ये टेंट अगर किसानों की संख्या यहाँ बढ़ती है तो उसके लिए व्यवस्था, रहने खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। खाने की व्यवस्था ठीक ऊपर सड़क पर है,
और रहने की व्यवस्था यहाँ नीचे है। ये देखिए बड़े बड़े चार टेंट और लगाए गए हैं। इन टेंटों में क्या क्या सुविधाएं हैं? इन टेंटों में हमें रहने के लिए कंबल वगैरह, लाइट का पूरा बंदोबस्त है और गद्दे वगैरह, जो भी आके रहना चाहता है वो रह सकता है वहाँ पर। कई जगह मैंने देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में टीवी तक की व्यवस्था है ताकि देश दुनिया की खबरों से रूबरू रहें। नहीं, टीवी तक की व्यवस्था तो वो तो अपना अपना है ना, जो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो आप ये सुविधाएं जुटाकर क्या बताना चाह रहे हैं? सुविधाओं बताना तो यही है ना, क्योंकि हम एक आंदोलन के लिए है, शांतमय आंदोलन है हमारा, कोई भड़काऊ वगैरह नहीं कर रहे हैं हम लोग, शांतमय बैठेंगे, शांतमय तरीके से रहेंगे, जिन तरह टाइम भी रहेंगे शांतमय तरीके से रहेंगे। मैं आपके पार्क भी दिखाना चाहूँगा, आपने एक बड़ा सुंदर पार्क भी बनाया है यहाँ पर। ये हवेली के आप टेंट कैंप, कैंपिंग टेंट ही कह सकते हैं इनको, जो अक्सर आपने देखे जब आप कहीं घूमने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो इस तरीके के टेंट होते हैं, कैंपिंग टेंट इनको बोला जाता है। ये कैंपिंग टेंट अब इस किसान आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। और अब आप ये देखिए, ये पार्क बनाया है इस किसान हवेली में, ये पार्क सड़क पर, पार्क घरों में आपने पार्क देखा होगा, बड़ी बड़ी हवेलियों में, बड़ी बड़ी कोठियों में आपने इस तरह के पार्क देखे होंगे, या फिर आपने पार्क देखे होंगे म्युनिसिपल पार्क, जहाँ पर इस तरीके की घास उन पार्कों में भी नहीं मिलती, लेकिन ये घास यहाँ पर ये किसानों ने अपने हाथों से लगाई है और इसको बड़ा सुंदर पार्क का रूप दिया गया है। और किसान दिन की थकान मिटाने के लिए, दिन की शुरुआत करने के लिए इस पार्क में बैठते हैं और आपसे चर्चाएं भी करते हैं, इन किसानों तक भी पहुँचेंगे। उससे पहले आपको वापस एक बार कैंपिंग टेंट की तरफ ले चलते हैं और इनका स्टोर रूम दिखाएंगे, जहाँ पर जो जो सामान यहाँ पर इन लोगों ने रखा है। आप देखिए कि दो दो ये तिरंगा भी है, आप देखिए किस तरीके से शान से तिरंगा लहरा रहा है, और उस तिरंगे के साथ में लिखा हुआ है किसान हवेली घोलिया। जिस तिरंगे के अपमान का आरोप लगाकर इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये तिरंगे की शान और तिरंगे के लिए जान गंवाने वाले किसानों ने इस तिरंगे को इस तरीके से लहराया है कि ये किसान देशभक्त कौम है, देश के गद्दारों से देश की रक्षा करने वाले किसान और जवान है। दो जो ये कैंपिंग टेंट है, इनके बीच में डस्टबिन भी रखे गए हैं ताकि कूड़ा करकट जो है इकट्ठा हो सके और उस इकट्ठे कूड़े करकट को ठीक तरीके से डिस्पोज किया जा सके। पूरे सलीके से ये गांव बसाया है, देखिए पूरी साफ सफाई की व्यवस्था भी इस किसान हवेली में है। आप देखिए किसान हवेली में इसी तरीके से लोग दिन भर आते हैं, इकट्ठा बातचीत करते हैं, पूरी चौपाल सज गई है। जिस तरीके से गांव में बैठकें होती हैं, बैठक होती है, ठीक उसी तरीके की ये बैठक अब यहां पर लग गई है। साथ में पार्क है, बहुत सारे किसान हमारे साथ हैं यहां पर, इन सभी किसानों से बात करेंगे। ये किसान हवेली में अब बैठक का ये दृश्य आप देख रहे हैं। आप सरपंच हैं गांव से, सच ही क्या जी? ये जो किसान हवेली बनाने का आइडिया आया, कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया? क्योंकि ये आंदोलन तो सड़कों पर सरकार के खिलाफ और धरना स्थलों पर जाकर नारेबाजी का। पहला तो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਹਵੇਲੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂ ਸਵਾਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਆ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਹਵੇਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਪਿੰਡ ਘੋਲੀਆ ਖੁਰਦ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੀਆ ਖੁਰਦ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮੱਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ 77 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਆਪਕੋ ਇਨ ਸੜਕੋਂ ਪਰ, ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਤਚੀਤ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ।
क्या लगता है कैसे होगा ये समाधान, कैसे होगा? असल में जिन्ना जो जंगा जितनिया होंगे ना जी, जे सच जाणो मैं तो कितने दिन ही नहीं गिने जी। इत्थे जिहड़े लोग है जिहड़े मन बनाई बैठे उन्हां नूं इन्हां दिनां नाल कोई मतलब नहीं, उन्हां नूं सिर्फ एक चीज दिंदी है जिवें भी चिड़ी की अख च निशाना मारना भी किसान जिहड़े ये मारू नीतियां मतलब यह कैंसल होनी चाहिए। असी तो बस सानू कोई मतलब नहीं, हो सकता आ जिहड़े प्रबंध तुसीं देखदे आ इत्थे शाम नूं काफ़ी लोग आ जिहड़े आके बैठते हैं अड्डो अड्डी जिलों तो पिंडों तो पहुँचते आपके विचार रखते, तो हर बंद अंदर जेडे अज इतें बैठे है हर बंद अंदर जज्बा है भी असी माफ जे जिन्ना चेहरे पिछे नहीं हटती मोदी सरकार असी इतों जावे। इस किसान हवेली की आपने बात की कि शाम के टाइम यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग गाँव से, कितने लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था है इतने जी? लंगर तो वाहगुरु जी की कृपा ना जी, प्रॉपर बस 24 घंटे मान लो चलता, रात को भी मुंडे पहरे ते होंगे है जी, ते तकरीबन रात को चाह ते जिहड़ा लंगर आ चाह अपना प्रशादा रात को भी अपना वरता रहे होंगे जी अपने जिहड़े मुंडे ते रहने दी साडे कोले जी तकरीबन असी टेंट लाते हैं तकरीबन 100-150 बंदा असी वाहिगुरु जी की कृपा ना नगर कोलिया खुरद वालों जिहड़ा यह प्रबंध किया जी ते उहदे च असी पूरी व्यवस्था में कितना खर्च किया होगा अपनी इस हवेली का? भाजी जिहड़े ये सेवा जिहड़ी जी आप दस्या नहीं जा सकता, ये कल्ली भावना ही है जी, ये भावना ही है साड़ी भी असी सानू संस्कार मिले बजुर्गों तो भी जिथे तुसी रह रहे हैं तो तुसी जेड़े थोड़े कोले आउण वाले लोग है उन्होंने तुसी आप दे नूं साफ जगह दिओ। असी तो बस यही सीखिया भी असी भला हो सकता जिदन 26 तरीक 26 सीगी तो बड़ा रश हो गया तो सानू रात सारी इस गल च ही लंघी भी असी किवें प्रबंध करिए कोई बंदा रुस ना जाए किसी कोई मुश्किल ना आ जाए, हर बंदे असी उ लिया के उन्हों बस सैटिस्फाई करके भी किमें तेन प्रबंध करिए। किसान जिस तरीके से अपनी जमीन से प्यार करता है ठीक उसी तरीके से अपने सारे सामान को अपने घर को सजे सहेज कर रखता है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता है, ग्रीनरी की भी व्यवस्था करता है, खेतों में भी पेड़ लगाता है तो आसपास गांव में भी पेड़ लगाते हैं। ये घोलिया खुर्द के गाँव के ग्रामीण हैं जो अपने गाँव को भी उसी तरीके से हरियाली में संजोए रखते हैं। आज यहाँ पर इन सड़कों पर भी लगातार ये किसान डटे हुए हैं और इन किसानों ने इस तरीके की किसान हवेली बनाकर एक संदेश दिया है कि ये किसान अपनी खेती अपनी किसानी को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन समाधान तो हो नहीं रहा। समाधान तो जो चल रहा है चाहे होवे जां ना होवे ये असी एक मैसेज आ जिहड़ा हवेली बनाई है साडे सरपंच साहब ने, बहुत वड्डा उपराला है एक तरह का, तो ये एक सरकार ने भी मैसेज आ भी ये भी पिछे हटने वाले नहीं गए क्योंकि इन्होंने पक्के आपदे जे रहन विसरे बनाए है, बाकी आपदी जिहड़ी पंजाबियों की पछाण है वो साडे सरपंच साहब ने बरकरार की है भी जो साफ सफाई का ते जो आपका कल इत्थे भावें संघर्ष खत्म भी हो जाए तो आने वाले इत्थे जो लोग आ उन्हें पता लगे भी इत्थे जो है पंजाबी रह के गए है अपनी पछाण आ जी छड के गए है। वातावरण लगातार आप 77 दिन से सड़क पर डटे हुए, ये तो साफ हो गया कि आप लोग पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि मंत्री ने कहा कि संशोधन के लिए वो तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि कानून पर वापस हटने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में कब तक समाधान होगा क्योंकि आगे फसल कटाई का भी टाइम आएगा? वो तो फिर सरकारां नूं पता भी इस तरह किस तरह सैट सफाई जिवें परिवार दे विच आ जो मुखिया चुनिया गया ये तो मुखिए नूं इस चीज़ का मतलब सोचना चाहिए भी मेरी जिहड़ी परजा है लोकतंत्र है, लोकतंत्र ये कित्थों दा रह गया जो मतलब उहदी परजा दुखी हो के किवें सड़कां दे उत्ते किन्नी ठंड दे विच इत्थे सड़कां ते बैठी है ते किन्ने अज हुण आउण वाले समें च गर्मी भी भावें पैणी है पर इत्थों किसान उन्ना चिर जाणगे नहीं जिन्ना चिर इह उन्हां दे मारू इह काले कानून रद्द नहीं हुंदे गे उन्ना चिर इत्थों कोई भी किसान नहीं जाऊगा। गाँव की बैठकों में अक्सर ये चर्चा होती है कि गाँव में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ इस हवेली में जो बैठक सजी हुई है यहाँ पर हमेशा हर वक्त यही चर्चा होती है कि कैसे ये आंदोलन चलेगा और किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए और कैसे सरकार कब तक उनकी बातें मानेगी। आपको क्या लगता है कि सरकार कब तक आप लोगों की बात मान लेगी और इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं करते हैं? वो तो ऐसी हेड समझ रहे हैं अपने आप को कि मैं प्रधानमंत्री हूँ कि जो मेरी बात है तो सही है, ये लोग इसलिए बैठे भी जाते हैं अपना कानून वापस ले जाए किसान वापस नहीं जाएगा, बस लास्ट बात ये हुई है। तो दिन भर इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं करते हैं आप लोग, गांव की सुध भी लेते होंगे, फसलों की बात भी करते होंगे? वो सारी टेलीफोन पर बात चलती है जो गाँव की सारी जो भी स्थिति आती रहती है जाती रहती है, ये तो जो संगत आती है सब सबके प्यार आपस में बना हुआ
बस किसानों का प्यार यहाँ इस आंदोलन के आउटकम, अभी बात की कि किसानों का प्यार आपस में बना हुआ है, ये हकीकत है कि इस आंदोलन के आउटकम अभी तीन कृषि कानूनों को लेकर तो नहीं आई है, लेकिन पंजाब हरियाणा के किसानों का भाईचारा बड़ा मजबूत होकर निखरा है। और इस किसान हवेली में जिस तरीके की साफ सफाई आपने देखी है, जिस तरीके की ये बैठक आपने देखी है, ठीक यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि लगातार इस आंदोलन में संघर्षरत किसान अपने आंदोलन को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार के ऊपर है अब ये कब इनकी बात माननी है, क्योंकि इन किसानों ने तो मन बना लिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो इन सड़कों को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सड़कें ही अब उनका गांव है और इन सड़कों पर ही किसानों ने अब अपनी हवेली भी बसा ली है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर।